It is said laughter is the shortest distance between two people. His comic timing, the aura he generates, and the positivity with which he has guided his life define the perfect Pehchan Kaun hero. Travel with me through the journey of the one man with many roles, Naveen Prabhakar, only on The Bollywood Dynasty. बचपन में व्हेन आई वाज इन नाइन्थ क्लास तब पता चला था मुझे कि ये एक प्रोफेशन ब्यूटीफुल प्रोफेशन और मैंने एज अ हॉबी इसे टेक ओवर किया था. जब पता चला कि इसमें और भी कुछ किया जा सकता है, जैसे कई आर्टिस्टों को मैंने देखा कि वो सिर्फ एक्टरों की आवाजें परफॉर्म करते थे स्टेज पर और मैं एज अ स्टूडेंट गौर करता था, सुनता था उनको. और उसके बाद जब क्रिएटिविटी की बारी आई तो मैंने सोचा मेरे दिल में कि यार मैं ये जो परफॉर्मर है मैं उनसे बेटर कर सकता हूँ. और मैंने जब करना शुरू किया मेरे घर में तो मेरे मॉम डैड बहुत मुझे रोकते थे, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, चलो सिर्फ स्टडी स्टडी स्टडी. और उस वक्त स्टडी पे जोर देना हमारे घर में बहुत इंसिस्ट करते थे. तो मैंने उसको धीरे धीरे छुपके छुपके उसकी प्रैक्टिस शुरू की. और जब टेंथ पास करके जब कॉलेज में गया तो कॉलेज में सारे दोस्तों ने उसको सराहा, यार तो बहुत अच्छा करता, अरे वापस रहो वापस रहो, अरे वो अमिताभ बच्चन, अरे वो अशोक कुमार, अरे ओम प्रकाश, अरे वो मिथुन, अरे ये गोविंदा गोविंदा, ये गोविंदा और कैसा हंसता, बहुत अच्छा करता है. और सब मेरा नाम धीरे 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 मेरे फ्रेंड्स में फैल गया, लोग लाइक कर मुझे सुनने आते थे और सारे पीरियड ऑफिशियली बंक. और उसके 3-4 महीने के बाद जब इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स की बारी आई तो सारे लोगों ने मुझे सुना, पहले साल मेरा नाम हुआ, सेकेंड ईयर मुझे लोग बुलाने लगे एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट. जब पहले साल मैंने सारे कॉम्पिटिशन्स में अव्वल नंबर पर मैं आया, मुंबई के 70 कॉलेजेस, मुंबई यूनिवर्सिटी के 70 कॉलेजेस में मैं अव्वल आया था. और उसके बाद 5 साल तक मैं अव्वल आता रहा और काफ़ी आर्टिस्ट मुझे जानने मानने लगे, पहचानने लगे. और तब तक मैं एक साल के अंदर जितने भी प्रोफेशनल ग्रुप थे हमारे मुंबई के तो उनके साथ मैं परफॉर्म करने लगा, मुझे पैसे भी मिलने लगे थे. तो ये पहले पहले शुरू में मेरी हॉबी रही थी. और जब हॉबी बिकम्स प्रोफेशन तो आप जानते हैं अपनी हॉबी के पैसे लेना किसको अच्छा नहीं लगता. तो वो हॉबी कब प्रोफेशन बन गया मुझे पता नहीं चला. मेरे सीनियर आर्टिस्ट हैं मिस्टर माधव मोघे सर, जिनको देख के मुझे प्रेरणा मिली और मैं इंस्पायर हुआ इस फील्ड में आने के लिए. तो उनका मुझे फोन आया, अरे नवीन there is a guy, he'll call you for a competition is going on television, some channel, you know, it's very new channel and you have to participate, please cooperate with them. Bole sir main tour pe jaunga, main tour maine sign ki thi kahin India mein kahin tour tha pan India level pe aur takriban 20-22 shows main karne ja raha tha. Bole nahi nahi unse pehle baat kar, are bahut bada show hai ye wo. To I was least bothered, you know, maine unko bola ki ठीक है सर मैं करूंगा जरूर. तो मैंने कॉल अटेंड किया, मैंने बताया उनको कि मैं पार्टिसिपेट करता हूं लेकिन मुझे इतनी घाई है जितने, तो नहीं सर ये ऑडिशन है. मैं बोला ऑडिशन ऑडिशन मैंने देता बाबा, इतना प्रोफेशनल आर्टिस्ट होने के बावजूद फिर आप ऑडिशन दो. तो हमें थोड़ा सा वो लगा कि यार हम पैसे लेते हैं शोज में, हम लोग ऑडिशन के लिए जाएं अच्छा नहीं लगता है. यू नो ऑडिशंस उन लोगों के लिए होता है जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग रियली नाम करना चाहते हैं और कंपटीशन के जरिए उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है. और तो मेरे सीनियर है राजू श्रीवास्तव जी, तो उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था. तो मैंने कहा जब राजू श्रीवास्तव पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो व्हाई नॉट मी. और इसलिए मैं गया वहां पे, डायरेक्टर साहब बैठे थे, कहने लगे हाँ बोल क्या परफॉर्म कर रहा है. मैंने कहा सर मैं एक्टरों की आवाजें और ये सब. हाँ बोल. अब ही इज अ डायरेक्टर, मुझे पता नहीं था कि मेरे से पहले 30 लोगों को उन्होंने सुन चुके हैं. मैं जब शुरू किया तो ही वॉज लाइक
मैंने तीन पंच मारे, चार मारे, पांच मारे। मैंने कहा सर एक्टरों की आवाज है, सर मैं परफॉर्म करूं अभी, कैसा लग रहा है आपको? ये सब 25 लोगों ने किया है तेरे पहले, ओके बाय। मैं निकल गया था। अब हुआ यूं कि वापस रात को फोन आया मुझे, कहे हमारे माधव के साहब ने फोन फोन पे पूछा कि नवीन व्हाट हैपेंड टू यू, क्या हुआ, तुम्हारा सिलेक्शन कैसा रहा? मैंने कहा नहीं सर मुझे जाने के लिए बोला, तब पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने फोन पे क्या बात की डायरेक्टर से वो सब, उन्होंने बोला डायरेक्टर को कि नवीन प्रभाकर को आपने आउट किया है। बोला उन्होंने कुछ किया ही नहीं, वो जो किया वो 25 लोगों ने जो पहले आए थे उन्होंने वही किया। बोले ही इज द मोस्ट क्रिएटिव गाय अमंग आवर 70 पीपल। हमारे यहाँ पे 60-70 आर्टिस्ट हैं जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट, प्रोफेशनल स्टैंड अप कॉमेडियन है, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, जो सारे बिजीएस्ट शोज में ये इनका नाम लिया जाता है और बिजीएस्ट आर्टिस्टों में, तो उनको आउट किया तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आप उनको बुलाओ। तो वहां पे बॉय था, उसने वापस फोन किया, सर आपको कल वापस आना है। अरे मैंने कहा नहीं नहीं, उन्होंने बोला और मुझे उसका अंदाज पसंद नहीं आया, मुझे ऑडिशन लेने। तो फिर दोबारा मैं गया, चलो ठीक है वो बोल रहा है तो फिर मैंने गया। हाँ बोल क्या करेगा? मैंने कहा सर मैं आप जो बोलो मैं करता हूँ, कल मैंने जो किया आपको पसंद नहीं आया शायद। हाँ वो बाकी सब लोगों ने किया तूने वही किया। बोला सर वो मेरे आइटम परफॉर्म करके निकल गए थे तो मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो 25 लोगों ने नहीं किया वो तू अब कैसे कर सकता, क्या कर सकता नया? मैंने कहा बताओ सर, स्टीव मार्टिन, जैक ब्लैक, रॉबर्ट डिनेरो, स्टीव ब्रांडो, व्हाट? तो ये सब करता है क्या? मैंने कहा हाँ मैं करता हूँ, करके बता। तो मैंने एल पेचिनो उनको करके बताया। तो ये मालूम है मेरे को, लेकिन पब्लिक को नहीं मालूम पड़ेगा एल पेचिनो है। मैंने कहा सर और कुछ डिफरेंट? ठीक है और डिफरेंट क्या कर सकता है? मैंने कहा रजनीकांत, कमल हसन, ये करना। तो मैंने जो परफॉर्म किया था उनपे वो सिलेक्शन तो मेरा हो गया, सिलेक्शन हो गया और उन्होंने मुझे भी ऐसे अंडररेट किया था कि तू जो परफॉर्म करेगा ना तो मेरे लिए सिर्फ 5 मिनट का चाहिए, 5 ही मिनट का तेरा लूंगा, उसके बाद तो आउट हो जाएगा। और उन्होंने मुझे ये कहा था कि तुझे आउट कर देंगे 5 मिनट में। आई सेड ओके आपको जो ठीक लगता है। मजे की बात ये रही कि मेरे पूरे राउंड में जितने भी लोग आए थे उन्होंने कुछ वैसा क्रिएटिव परफॉर्म नहीं किया था, तो जजेस को, शेखर सुमन और सिद्धूपाजी को, वो ठीक नहीं लगा। और मेरा परफॉर्मेंस उन सब में थोड़ा सा अलग था क्योंकि रजनीकांत, कमल हसन और ये सारी चीजों को मैंने परफॉर्म किया था, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा डायरेक्टर को। डायरेक्टर बोला यार इनका सबका मैं 5-5 मिनट लेने वाला था, इनका मैं 1-1 मिनट भी नहीं रख सकता, तो 6 आर्टिस्ट हैं और तुझे 20-25 मिनट का एक्स्ट्रा फुटेज करना पड़ेगा परफॉर्म, विच इज बेस्ट, और सारे लोगों में तू बेस्ट है तो तुझे करना पड़ेगा, तो मैं सब जगह एडजस्ट करूंगा। अब मैंने किया, फिर ये प्रॉब्लम हुआ कि 4 मिनट का परफॉर्मेंस कम पड़ गया। अब डायरेक्टर वापस मेरे पास आए, कहने लगे 4 मिनट का परफॉर्मेंस नवीन तुझे करना है, वजह यह है कि इन सब लोग का काटेगा, एडिट कर दूंगा तो निकल जाएगा, सिर्फ तू ही दिखेगा, लेकिन तेरा परफॉर्मेंस और मुझे एडिट में जाएगा बाकी सारा, तेरे रिएक्शंस वगैरह। तो ये बहुत टेक्निकल बात कर रहा हूं मैं। तब उन्होंने बोला कि ये 4 मिनट का परफॉर्मेंस मुझे क्या दे सकता है नया, तो तब मैंने बार गर्ल वाला मेरा परफॉर्मेंस परफॉर्म किया। और तब है ना बियर बार बंद हो रहे थे और वो गरम लोहे पे हथौड़ा बोलते हैं ना, तो इतना परफेक्ट सेट हो गया वो और लोगों का इंटरेस्ट जागा। यकीन मानिए मुझसे पहले 8 एपिसोड परफॉर्म हो चुके थे, आई थिंक 6-7 मेरा 8वां एपिसोड था, और वो 8वें एपिसोड में पहचान कौन वो बारगर वाला मैंने लिखा और परफॉर्म किया था, तो उसकी वजह से मैं सीधे सेमीफाइनल राउंड में आ गया।
सेमीफाइनल राउंड के लिए मैंने लिखे फ्रेश एक्ट लिखे और किसी ने कोई किया नहीं होगा ऐसे एक्टर्स को मैंने चुना था, जैसे फिरोज खान, जैसे कौन बनेगा करोड़पति, ये सारे मैंने खुद लिखे थे, तो लोगों को अच्छा लगा वो भी, तो सीधे फाइनल में आ गया। फाइनल में डायरेक्टर तो अचंभे में था, तुझे मैं 5 मिनट के लिए लाया था और तू फाइनल में आ गया। तो जितने भी मेरे यार दोस्त थे, बोले मैंने कहा था कि ये इज द मोस्ट क्रिएटिव गाय और ये इसका काम है सरप्राइज करना लोगों को। और मेरा यकीन मानिए, मेरा पहले से मेरा स्वभाव है, मैं लोगों को चौंकाने में ज़्यादा बिलीव रखता हूँ, मैं सरप्राइज देने में बहुत बिलीव करता हूँ। आज भी मैं स्टेज पर जब भी जाता हूँ तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता हूँ मैं, परफॉर्मेंस जब भी करता हूँ तो लोगों को मालूम नहीं होता है मैं क्या करने वाला हूँ। सो यू नो, एक करंट सब्जेक्ट कोई भी हो उसको लेके चलना मेरी आदत है, तो मैं ऑन द स्पॉट लिखता हूँ और फिर उसे परफॉर्म करता हूँ, लिख के परफॉर्म करता हूँ। ऐसे मैं इतना क्विक नहीं हूँ कि मैं फटफट बोला और हो गया ना, मैं थोड़ा सा स्टूडियस हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि किसी सब्जेक्ट को लेके मैं परफॉर्म करूँ। तो मैंने फाइनल में जब परफॉर्म किया तो फाइनल में मैं आई वाज अ रनर अप, फर्स्ट रनर अप। थर्ड नंबर पर थे मिस्टर राजू श्रीवास्तव और सेकंड पर थे एहसान कुरैशी और फर्स्ट पर थे मिस्टर सुनील पाल। और सभी लोगों को ये तय था कि नवीन प्रभाकर नहीं आएगा, लेकिन आई वॉज द ओनली कॉन्फिडेंट गाय अमंग दोज 60 पीपल कि मैंने कहा मुझे आना है। और मैंने उसी वक्त जब उसने बोला था कि 5 मिनट का तुझे परफॉर्म करना मैं निकाल दूंगा, मैंने उनको बोला था सर यकीन मानना मैं फाइनल में आई विल बी द विनर, मैं नंबर 2 पे रहूंगा या 3 पे रहूंगा 4 पे रहूंगा 5 पे रहूंगा ये मुझे मालूम नहीं, मैं फाइनलिस्ट में खड़ा रहूंगा याद रखना। तब उन्होंने मुझे गले लगाया, तालियां बजाई मेरे लिए और स्पेशली सिद्धू पाजी ने मुझे बुलाकर कहा कि तेरा कंटेंट गुरु, तेरा कंटेंट जो है बहुत लॉन्ग लास्टिंग है और लोग इसे ऐसे फॉलो करेंगे, ऐसे उसे मजे लेंगे, तुम्हारा नाम विश्व में होगा और तुम विश्व में घूमोगे। अब ये तो मुझे तब क्या पता नहीं चला, लेकिन जब वो फाइनल एपिसोड आया तब तक that time I was in USA, I was performing my committed shows. तो वहाँ पे लोग मुझे देखते ही मेरे सामने ऐसे दौड़ते थे। I was in Chicago और मुझे street पर चलता था मैं, लोग मुझे देख के follow करते, excuse me, are you the same guy you performed at you know that पहचान कौन, you are the same। अब मैंने perform करके मैं सीधे committed shows के लिए मैं निकल चुका था और शूटिंग के दरमियान और टेलीकास्ट के दरमियान 3.5 महीने का वक्त निकल चुका था। तब मैं अमेरिका में परफॉर्म करता था, लोग मुझे देख के फॉलो करते थे, यू आर द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन, कैन आई टेक अ पिक्चर विथ यू, ये वो सब बहुत हल्ला मच गया। और जब मैं यहाँ पर आया तो मेरे डायरेक्टर बोल रहे थे बेटा तू इतना मशहूर हो गया, इतना फेमस हो गया कि तेरे रास्ते पे चल नहीं पाएगा तू, तेरे कपड़े फटेंगे। और वो दिन है आज का दिन है, लोगों ने बहुत प्यार दिया, बेशुमार मोहब्बत दी, बेशुमार बेतहाशा प्यार दिया उन्होंने। और खैर इज्जत शोहरत तो मिली ही बोनस में, लेकिन अब ये जिम्मेदारी बढ़ गई है कि मैं मानता हूँ कि लोग जिस तरीके से आपको चाहते हैं उनके पसंद की कसौटी पर खरा उतरना आपका धर्म बन चुका है। और ये धर्म, ये स्पिरिचुअलिटी से जब आप लिखते हो, क्रिएटिविटी को न्याय देते हो, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा निकलता है और ऊपर वाले की यू नो ब्लेसिंग्स रही हमेशा कि अच्छा निकल ही जाता है। यू नो जब मैं पार्टिसिपेशन की जहाँ तक की बात है कि ये मैंने पार्टिसिपेट किया, ये मैंने लॉन्ग स्टोरी बताई थी, अब थोड़ा सा शॉर्टकट में समझाता हूँ। पार्टिसिपेशन में बहुत पेन महसूस हो रहा था क्योंकि मैंने देयर वाज अ चैलेंजिंग टास्क टू राइट एंड परफॉर्म यू नो, और मैं किसी का देखता नहीं था, मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे मैं किसी का परफॉर्मेंस देखने नहीं जाता था, इसलिए मेरे आइटम्स में ओरिजिनल क्रिएशन था और सभी लोगों ने वो लाइक किया। हेलो, पहचाना क्या, पहचान कौन, चंदा भी नहीं, सोनी भी नहीं, क्या खुफिया पंथी कर, जूली बोल रही हूँ, हाय कुत्ता। ये जो स्क्रिप्ट है ना, मैं दुनिया में जहाँ जहाँ गया हूँ, दुनिया में आई कैन से प्राउडली अमेरिका, लंदन, कनाडा, फिजी आइलैंड, जापान,
जहां जहां गया, दुबई, यस, दुबई में लोग तकरीबन 25,000 क्राउड था, और ऐसा होता था कि हम जब शोले देखने जाते हैं तो गब्बर के डायलॉग जब हम सुनते हैं, देखते हैं, तो पहले ऑडियंस बोलती है, उसके बाद गब्बर बोलता है, क्योंकि वो चाहत इतनी बेशुमार थी। वैसे मेरे साथ हुआ, पहचान कौन, जब पब्लिक बोलती थी उसके बाद मुझे परफॉर्म करना पड़ा, हेलो, तो मैं कहता था हेलो, पहचान कौन, पहचान कौन, हट, पब्लिक बोलती थी कुत्ता। तो ये इतना मशहूर हुआ, मुझे बड़ा मजा आया, और मैंने वो वक्त मैंने जिया है, आई मीन स्टिल रीलिविंग दोज मोमेंट्स। यू नो, कॉर्पोरेट शो इज द ओनली बिजनेस जहां पे अगर एक कॉर्पोरेट शो में आप परफॉर्म करते हो, मैंने अभी भी मेरे इंटरव्यू में बताया कि मैं लिख के परफॉर्म करने वाला आर्टिस्ट हूँ, और मेरे स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट मैं खुद लिखता हूँ, वो किसी और से लिखवाता नहीं हूँ, जो अभी ट्रेंड चल रहा है, और मुझे मालूम है कि मुझे क्या परफॉर्म करना है, तो परफॉर्मेंस के नेक पे मैं लिखता हूँ, इसीलिए लोगों पे ज्यादा वो लोगों को ज्यादा अप्रिशिएट होता है। और मान लीजिएगा मैं किसी एशियन पेंट के लिए या किसी प्रोडक्ट के लिए मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मुझे उनका टारगेट, मुझे उनके डेलीगेट्स, मुझे उनके कैटरिंग सब्जेक्ट क्या है, उस पर मुझे थोड़ा स्टडी करना होता है, मैं लिखता हूँ और वो परफॉर्म करता हूँ। जब परफॉर्म करते हैं तो लोगों को वो अपनापन लगता है, ये मेरी बात कर रहा है, मेरे बिजनेस की बात कर रहा है, ओ दिस इज मी, अरे ये कैसे है, उसको मालूम है, तो बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन लेवल बढ़ जाता है। और मुझे फिर उनके और जो 20-25 शोज उस साल में होते हैं वो सारे के सारे मुझे मिल जाते हैं। तो ये मैंने पहले से अपने मन में गांठ बांध के रखी है, बॉस यू बॉर्न फॉर द कॉर्पोरेट शोज। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है कॉर्पोरेट शोज में बिजी रहना, और लोग बुलाते भी हैं। मैं अभी अभी मैंने मेरे ख्याल से हमने 10 दिन पहले अपने बात की थी मुझसे इंटरव्यू के लिए, लेकिन दरमियान जापान और बाली जाने की नौबत आई, परफॉर्म करने के बाद मैं यहाँ पर आपको आपके सामने बैठकर इंटरव्यू दे रहा हूँ।